दिगर बैंक ताराबाड़ी पंचायत के निकट जो कब्रिस्तान में 370 के नज़दीक में जो कब्रिस्तान है उसका जो कटाव हो रहा था, इसको रोकने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि युवा समिति बाबर आलम साहब और यहाँ पे हमारे ताराबाड़ी के दादा लगेंगे साकिर आलम साहब और यहाँ पे जद्दोजहद किया है इसमें। और यहाँ पर ताराबाड़ी गांव और पूरब टोला उत्तर टोला जितना भी टोला है दक्षिण टोला सब ने मिल करके अपने से और अपने घर के बांस को और अपने मजदूर को लेकर के यहाँ का कटाव यानी कि फ्लड फ्लटिंग का काम खुद से किए हैं। लेकिन यहाँ पर बताते चले कि विधायक जी के घर से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह कब्रिस्तान है 1 किलोमीटर। ये दूसरा गांव जो आगे में जो दिखाई दे रहा है वो विधायक जी का गांव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के कितने नज़दीक आ गया है ये नदी। तमाम लोगों का सहयोग से आज 300 बांसों को यहाँ लगाया गया रोकथाम करने के लिए और जिला में भी इस चीज़ का बात चल रहा है। कुछ लोग आए थे जिला से और भी आगे का प्रयास जारी है। गाँव वालों का भी संघर्ष जारी है और लोग 2 दिन से 3 दिन से लगातार इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है कि यहाँ किसी भी तरीके से रोकथाम किया जाए क्योंकि ये पूर्वजों का मज़ारात है, यहाँ पे कब्र है जो इसमें दुआ खैर किया जाता है और लोगों को यहाँ तक पहुँचाया जाता है कि लोगों पहुँचाने के बाद भी अभी तक कोई सरकारी लाभ भी नहीं मिला है। हम लोग इस चीज़ को भी चाहते हैं कि कहीं से भी कोई लाभ मिल जाए और इस चीज़ को हमारे जो पूर्वजों का यहाँ मज़ारात है वहाँ इसको बचाया जाए। विधायक जी के पास विधायक जी यही बोले कि ये हमारे अंदर से बाहर है लेकिन अब इसके लिए आपको जिला जाना पड़ेगा। अभी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है बल्कि बोला कि समिति साहब को बोला कि आप इस क्षेत्र के समिति हैं, आप लोग जैसे भी हो मनरेगा फंड से काम करवाइएगा। होगा क्या यही बात हुआ ना, तो इतनी बात हुई हम लोग से सुने हम गए नहीं, नहीं लेकिन अब तक कोई सरकारी कोई फंड से कोई एक रुपया कोई मदद नहीं मिला। हम लोग सब तमाम ग्रामीण जितने यहाँ के लोकल हैं सब मिल के 300 बांस का उपलब्ध किया लाने के बाद फिर हम लोग अपने से ही उस बोर्डिंग को मंगाए, मिस्त्री को मंगाए, मजदूर को मंगाए, फिर उसके तहत हम लोग काम आप जारी किए हैं। आज तीसरा दिन है, आज नहीं हो पाया, एक दिन और लगेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारा ये पिछड़ा इलाका हमेशा पिछड़ा ही रह गया, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा एकरा पंचायत को इतना नीचे दिखाया जा रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हम समझ रहे हैं जहाँ तक अपनी इस उम्र में कि आज तक कहीं नहीं दिखाया जा रहा होगा शायद। हम लोग सब पूरे ग्रामीण लोग मिल करके देख रहे हैं कि मेरे दादा दादी यानी पूर्वजों का ये पूरे कब्रिस्तान आधी नदी तक बह के चला गया है पूरा कट के। अब तक किसी को कोई जुआ तक नहीं रेंग रहा है, नेताओं के पास जाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास ही दिया पहुंचाया जा रहा है यहाँ, उसके अलावा कुछ भी हम लोगों को आज तक नहीं मिला है, ना जिला से ना ब्लॉक से ना ही पंचायतों से। उसके अलावा हम लोग मिल करके ये बांस को चंदा किए यानी सब कोई जितना जिससे हुआ उसके बाद हो करके एक तरफ दिखाया जाए, इधर दिखाया जाए, ये आपका रेलवे जा रहा है यहाँ कुछ दूर में ही रेलवे लाइन को इतना अंदर दबा दिया गया है जिसके कारण पानी का मार पूरे के पूरे हमारे कब्रिस्तान में। और इधर दिखाया जाए ये अपना नेशनल हाईवे ये NH 27 है और 4 लाइन का काम अभी चल रहा है। ये दोनों तरफ के बीच में ये कब्रिस्तान है और ये आज से नहीं है, सदियों से ये कब्रिस्तान है हमारा। ये नहीं कि हमने अभी 2-4-10 साल से शुरू किया हुआ है, उसके बावजूद किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए खैर, और हम लोग उम्मीद भी करते हैं मगर उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही है, इसलिए हम यही कहेंगे कि जिला विश्वासन से और किसी से जहां तक हो सके, अभी अगर हम भी ये भी जानते हैं कि बरसात में कुछ नहीं होता है तो बरसात के बाद इसको ज्यादा से ज्यादा बोल्डर पिचिंग हो कुछ भी हो दिया जाए और इसको आगे काम किया जाए। अभी फिलहाल तत्काल जितना हो सके हम लोगों को मदद मिले तो कब्रिस्तान के लिए तो बेहतर होगा, यही हम लोग पूरे ग्रामीण के तरफ से एक उम्मीद है। मेरा कहने का मतलब है कि ये बाप दादाओं का पुरजोरों का ये कब्रिस्तान है और सदियों से ये कब्रिस्तान है और सदियों से ही हम लोग पिछड़े हुए हैं। यहाँ के बारे में कोई नहीं सोचा है, ना कोई प्रतिनिधि अभी तक आया, ना कुछ जांच किया, ना कुछ भी किया। सऊद साहब के पास गया, MLA साहब के पास, तो वो भी यही बोला कि ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो आप तो हमारा MLA हैं और आप ही कह देते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप यहाँ से बिल्कुल सही बात है और आप डायरेक्ट कह देते हैं कि ये हमारे बस में नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है सर। आपको ध्यान देना होगा, ये समाज है और फिर हमारे आज हम मरेंगे कल वो मरेगा परसों वो मरेगा, ये कब्रिस्तान है, ये
नदी के कटाव से बह जाएगा तो फिर हम लोगों के कब्रों को दुआ खैर के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, के लिए हमारे बुजुर्गों का दुआ खैर के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे। तो थोड़ा प्रशासन से लेके हमारे एमपी एमएलए से लेकर के और जो जितने भी हमारे साथी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और हो सकता है हम लोग बोलने में या हम लोग प्रचार प्रसार करने में कहीं कुछ गलती करते हैं तो आप लोग इसका कमेंट करें और आगे से आगे इतना शेयर करें कि ये बात यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहुँच जाए।